आखिर में 6 माह से स्टेडियम निर्माण का काम बंद पड़ा है। इसकी जानकारी होने पर मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी ने मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान लेट लतीफी पर ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। वहीं प्रशासन को स्टेडियम निर्माण के लिए फिर से रिवाइज एस्टीमेट भेजा है। बता दें कि 5 साल पहले तत्कालीन भाजपा सरकार में सीएम रमन सिंह ने मिनी स्टेडियम को इंडोर स्टेडियम में तब्दील करने की घोषणा की थी, जिस पर अमल नहीं हो सका था। ट्रैक वगैरह के भी जुड़ने हैं, स्पोर्ट्स के और भी जो कुछ ग्राउंड बनने हैं, तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ पे भी जो व्यवधान आ रहे हैं उसकी वजह से रिवाइज इंस्ट्रूमेंट जो है वो शासन को पीछे भेजा जा रहा है, ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है यहाँ पे स्टेडियम यहाँ पे बन सके और हर प्रकार की खेलकूद की गतिविधि यहाँ पे संचालित हो सके। तो उसी का आज निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे आए थे, जो जानकारी मिली और संबंधित जो ठेकेदार है उनसे चर्चा भी हुई है और जहाँ भी जो दिक्कत हो रही है अधिकारियों से उनसे बात करके उसको निराकरण करके इसको अतिशीघ्र जो है इसको प्रारंभ कराया।